रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन. इससे पहले मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भेजा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप नंबर लाइन पे एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए अब कुछ और इसके पार्ट्स देख लेते हैं किस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट, तो 7/8 को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो आपको मालूम है कि क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो आपको ज़ीरो के राइट हैंड साइड पर इस नंबर को कहीं पर रिप्रेजेंट करना है. पॉजिटिव नंबर है तो जाहिर सी बात है ज़ीरो के राइट में ही आएगा. और जैसे कि आप सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं क्योंकि नेगेटिव रैशनल नंबर है तो ये ज़ीरो के लेफ्ट में आएगा. अब क्योंकि ज़ीरो के राइट में आएगा आपका ये नंबर तो लेफ्ट वाले नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम लेफ्ट वाले नंबर्स को नहीं लिखेंगे, सिर्फ राइट में जो नंबर्स काम आएंगे उनको हम लिख लेते हैं. राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर. व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर, 8. राइट, तो आप यहाँ पर काउंट करना शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे 1. अब देखिए सबसे पहले तो ये कि नंबर लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो पेंसिल और स्केल से ड्रॉ करेंगे. दूसरी बात ये कि जब आप दो नंबर्स के बीच में जो गैप रखेंगे वो सेम रखेंगे. मैंने ये बहुत स्टूडेंट्स का देखा है कि नंबर लाइन बनाते वक्त बस कॉपी पे लाइन ड्रॉ की, अपनी मर्जी से ये स्मॉल लाइन्स ड्रॉ की और नंबर लिख दी और रिप्रेजेंट कर दिया. This is the very wrong way of representing any number on a number line. Right? तो आपको करना क्या है, आप एक number line draw करिए जिसमें आप ये जो छोटी lines हैं इनको आप equal distances पर mark करेंगे. Right? और उसके बाद आपको देखना है denominator. जितना भी आपका denominator होगा ज़ीरो से उतनी ही नंबर लाइंस को काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 और वहाँ पर लिखेंगे आप 1. जैसे आप स्केल में देखते हैं ना, ज़ीरो के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसी तरीके से हमारी नंबर लाइन में भी ऐसा ही होगा. ज़ीरो के बाद हम 1 लिख रहे हैं लेकिन ये गैप कितना होगा ये डिपेंड करेगा आपके डिनोमिनेटर पर. 0 and 1 के बीच में गैप कितना होगा ये आपका डिनोमिनेटर तय करता है. राइट, तो यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर है 8 तो हमने 8 लाइंस का डिस्टेंस दिया है और यहाँ पर लिखा है हमने 1. राइट, अब हम यहाँ पर नंबर लिखना शुरू करते हैं. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. जब आप 8/8 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1. उसके बाद 9/8, 10/8, 11/8, 12/8. इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ 1 के आगे से और 8 लाइंस काउंट करेंगे तो वहाँ पर आप लिखेंगे 2. ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर 1 लिखा है और नीचे हमने सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कर दिए. अब आपको देखना क्या है, किसको रिप्रेजेंट करना है, 7/8 को. वो ये रहा नंबर 7/8. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं -2/3. अभी हमने क्या कहा था, 0 के और 1 के बीच में गैप कितना होगा ये आपका डिनोमिनेटर तय करता है. राइट, तो यहाँ पर कितना है, 3, तो 0 के बाद 1, 2, 3, -1, 1, 2, 3, -2. ठीक, 3, 3 के गैप से आप -1, -2 ले लेंगे. क्यों -1, -2, क्योंकि ये नंबर ही नेगेटिव रैशनल नंबर है. तो 0 के जब आप लेफ्ट साइड पर चलेंगे तो आपको नेगेटिव रैशनल नंबर्स ही मिलेंगे. चलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -5/3, -6/3, -7/3 and so on. आगे ये नंबर लाइन इसी तरीके से चलती रहेगी. आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, -2/3, वो -2/3 आपका ये रहा. ठीक है,
अब देखिए यहाँ 3/3 लिखा था तो कैंसिल करके क्या था -1, यहाँ -6/3 था तो 3 × 3 3×2 = 6 कितना आया -2, तो इसीलिए हमने यहाँ पर -2 रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें आपको बस ख्याल इतना रखना है कि जो 0, 1, 2, 3, 4 के बीच में गैपिंग होती है वो आपके डिनोमिनेटर पर बेस्ड होती है, राइट। अगर रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड में वो रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और अगर रैशनल नंबर नेगेटिव है तो वो 0 के लेफ्ट साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे। इन्हीं कुछ बातों का ख्याल रखते हुए आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।